स्कूलों में छात्रों में हिंदी भाषा के गिरते स्तर को उठाने के लिए और छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन में हिंदी विषय को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रदेश के 6 जिलों सोलन, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, ऊना के हिंदी विषय के 38 प्राध्यापक भाग ले रहे हैं। 6 दिन तक चलने वाली इस अभिविनय कार्यक्रम में प्राध्यापकों को विभिन्न स्तोत्र व्यक्तियों के माध्यम से हिंदी विषय की रचनात्मक, धर्मात्मक एवं उसकी व्यवहारिकता और बच्चों को हिंदी साहित्य के प्रति आकर्षित करने के बारे में बताया जा रहा है। कार्यशाला में भाग लेने आए प्राध्यापकों का कहना है कि इस तरह की कार्यशाला से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बड़ा सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में हिंदी भाषा को और अधिक आकर्षक ढंग से पढ़ाने के बारे में बताया गया, जिससे वे यहां सीखकर अपने स्कूलों में जाकर छात्रों को सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। जो बदलाव हिंदी को लेकर हमारे इन पाठ्य पुस्तकों में हुए हैं, शायद वो अभी सारी पाठशालाओं तक नहीं पहुंचे हैं। मैं SCERT के इस कार्यक्रम को जो उन्होंने चलाया है, मैं समझता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम वर्ष में प्रत्येक प्राध्यापकों के लिए, हिंदी अध्यापकों के लिए, चाहे वो 6ठी से 10वीं के हो, चाहे 11वीं 12वीं के हो, सबके लिए जरूरी होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये बच्चों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि आज हमारे बच्चों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उन्हें भाषा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम यही मंथन करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि उन विद्यार्थियों में जो सृजन शक्ति समाप्त हो गई है, उस सृजन शक्ति को हम दोबारा से पैदा कर सकें। और मुझे पूरी आशा है कि हम लोग यहाँ पर जो जितने भी अध्यापक एकत्रित हुए हैं, वो सब जो है यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे और अपने विद्यार्थियों में वो शक्ति दोबारा से पैदा करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के समन्वयक अशोक गौतम ने बताया कि अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा के आधार पर भी हम कहीं पिछड़ रहे हैं। हम ना तो हिंदी हो रहे हैं, ना अंग्रेजी भाषा बोल पा रहे हैं। हम आज भाषाओं के मझधार में फंस गए हैं। भाषा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, जबकि स्वस्थ भाषा स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं को लेकर स्कूल में पढ़ाई जाने वाली हिंदी भाषा व साहित्य पर चर्चा की गई। SCERT सोलन द्वारा हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के हिंदी प्रवक्ताओं के लिए विशेष तौर पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम इस संदर्भ को लेकर अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज की तारीख में हिंदी साहित्य की ओर से छात्रों का रुझान कम सा हो रहा है, और प्रदेश भर में ही नहीं, पूरे देश में भाषाई स्तर पर जब भी बच्चों का मूल्यांकन हुआ है तो भाषाई स्तर पर वे कमजोर पाए गए हैं। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर इस अभिविन्यास कार्यक्रम में चर्चा की जा रही है। विभिन्न विषयों के स्रोत व्यक्ति लाए गए हैं ताकि अध्यापकों को हिंदी साहित्य के प्रति बच्चों में रुझान पैदा करने के लिए तैयार किया जा सके।